बॉलीवुड के खान्स के बीच आपने नोकझोंक की खबरें तो हमेशा सुनी हैं, लेकिन बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान, जी हां, उनकी दुश्मनी सिर्फ बाकी के खान्स के अलावा बॉलीवुड के सबसे हसमुख और लोगों का हमेशा दिल जीतने वाले हीरो गोविंदा के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। चलिए आज डालते हैं 90 के दशक के कुछ खास कहानियों को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और 90 के दशक के मशहूर स्टार गोविंदा के बीच हमेशा से ही कोल्ड वॉर चलता आया है। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच अब तक की फिल्म करियर कभी भी एक दूसरे के साथ उन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि शाहरुख खान ने एक समय गोविंदा को लेकर अब काफ़ी निराशाजनक कमेंट कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक डियर जिंदगी अभिनेता ने एक बार कहा था कि गोविंदा कभी भी उस तरह का काम नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह के इस बयान के बारे में जानने के बाद गोविंदा की माँ काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज हो गई थी। खैर, शाहरुख खान ने अपने इस बयान के बाद गोविंदा से सरेआम माफ़ी भी मांगी और ये साफ किया था कि उनके कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्हें जो बातें उन्होंने की है उनका गलत मतलब उन्होंने समझ लिया है। गोविंदा ने शाहरुख खान के इस बयान के बाद अभिनेता को माफ़ कर दिया था और दोनों फिर अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन हाँ, ये बात भी साफ जाहिर है कि कभी भी इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर जारी है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।